जब भी आप स्क्रीन डालने के लिए जाएं, तो पहले 82 इंच लेंथ देख लें। 82 इंच को लेंथ देखकर वहाँ पर एक मार्किंग कर दें, और मार्किंग कर जो लकड़ी का वुड का जो पीस होता है, उस पीस को ऊपर से जो मार्किंग किया है उसके ऊपर रखकर सेंटर मार्क कर लें। उस सेंटर मार्क करके उसके बाद उसको ड्रिल मशीन से एक कॉन्क्रीट का जो ड्रिल होता है उसको होल डाल लें एक, जैसे होल कंप्लीट होगा उसके बाद लकड़ी की जो उट पीस होती है उस उट पीस को उस होल में मार दें। उस मार के उसके बाद 1.5 इंची का एक स्क्रू और जो लकड़ी का पीस होता है उसको दोनों को मिला के फिक्स कर दें। ऐसा करने से आपको आसानी से क्रीम डालने के लिए आसानी होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी होएगा आप आसानी से डाल सकते हैं। उसको फिक्स करने के बाद जैसे उसको फिक्स कर देंगे उसके बाद उसका सपोर्ट ले लें, और सपोर्ट लेके सपोर्ट भी उसके ऊपर फिक्स कर दें। जैसे उसको कर दिया उसके बाद दूसरे को भी वैसे ही करें, नीचे से टेप पकड़ें और 82 इंच को मार्क करें, 80 पर 2 इंच को मार्क करके उसके बाद सेम उसको भी मार्किंग के ऊपर राउंड लकड़ी का घट्टा रखें, लकड़ी का पीस जो वुड पीस होगा उसको रख दें, रखकर सेंटर मार्क करके सेम होल उसको भी वैसे ही कर लें। जैसे ही दोनों सेट के उठ के जो पीस होते हैं उसको लगा कर होगा, तो हर एक सेट के लिए
जो सपोर्ट होगा वो लेकर पाइप ऐसे रख दीजिए, पाइप दोनों सेट रख के एक लेवल आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा ऊंच नीच होगा भी तो आप एक स्क्रू डाल लीजिए, जैसे एक स्क्रू डाल के लॉक करेंगे और छोड़ दीजिए उसको, और आकर साइड में खड़ कर देखिए, पता चल जाएगा ये वो लेवल है या थोड़ा झुका हुआ है। देखकर आप थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं उसको, स्क्रू खोल के ऊपर नीचे एडजस्ट कर लगा सकते हैं। ऐसा लगाने से आपको लेवल भी मिल जाएगा और कुछ परेशानी भी नहीं होगी, आसानी के साथ आप पूरा डाल सकते हैं। और इसके लिए आपको बस एक स्क्रू मशीन हो जाएगी तो आपका सारा काम आप ही कर सकते हैं। इसके लिए कारपेंटर की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप आसानी के साथ जैसे मैंने बताया वैसे आप डालेंगे, आसानी के साथ आप ही डाल सकते हैं स्क्रू, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बस लेवल हो गया, अब इसके बाद हो गया उसको जो उसके ब्रैकेट्स जो रहते हैं वो ब्रैकेट उठाइए, और पाइप जितना भी आपका उधर का मेजरमेंट है मेजरमेंट ले लीजिए। मेजरमेंट लेकर उससे 1.5 इंच ज़्यादा रखकर पाइप कट कर दें, 1.5 इंच जो सही होगा उससे भी 1.5 इंच ज़्यादा होना चाहिए पाइप, 1.5 इंच ज़्यादा रखकर कट कर दें। उसके बाद आसानी के साथ आप ही डाल सकते हैं पाइप। के लिए मशीन अगर नहीं है तो आप एक्सल जो ब्लेड होता है या फ्रेम होता है उससे भी आप कट कर सकते हैं। जैसे ही आप रखेंगे थोड़ा थोड़ा बाहर रख के कट कर लीजिए पाइप, और साइड से ब्रैकेट चढ़ा दीजिए, आगे ऊपर नीचे दो साइड से ब्रैकेट चढ़ा दीजिए, बस हो गया। उतना देखने के लिए इतना और खूबसूरत दिखेगा।